बुलेट ट्रेन फाउंडेशन के संचालन के कारण प्रियालक्ष्मी मिल अंडरपास को 6 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। इसके चलते वाहनों की आवाजाही के लिए शास्त्री ब्रिज का इस्तेमाल करना होगा। वडोदरा रेलवे स्टेशन प्रियालक्ष्मी अंडरपास के नजदीक बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन का निर्माण के कारण इस अंडरपास को 6 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने वाले 3 क्षेत्रों में अलग अलग रेलवे अंडरपास हैं, जिसमें अलकापुरी अंडरपास, जेतल अंडरपास, दिनेश मिल और प्रियालक्ष्मी अंडरपास शामिल है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रियालक्ष्मी मिल के अंडरपास के नजदीक रेलवे स्टेशन के फाउंडेशन का कार्य शुरू किया जाने वाला है, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामिची ने ऐसा कहा है कि कॉरपोरेशन ने प्रियालक्ष्मी अंडरपास को बंद करने का फैसला तो किया है, लेकिन नागरिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग भी साथ में रखी है। वडोदरा शहर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आयो छे। आ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आवा थी वडोदरा शहर में जो रेलवे लाइन है चार चार फाटक है, आवा ओवरब्रिज जे छे, साथे हाल में प्रिय गरनाड़ू जो ब्रिज गरनाड़ू है, आ गरनाड़ू बंद करवा थी 2 लाख थी वधु लोगों ने असर थवानी छे। लोगों ने 3-4 किलोमीटर वधारानो फेरो फरवानो आवशे। वडोदरा महानगरपालिका आयोजन कर दीधुं छे अने आ जो गरनाड़ू बंद करशे तो लोगों ने तकलीफ पड़शे। पहला तो कोईपण वस्तु करता पहला आम नागरिकना प्रश्नों क्या है दूर करवा जोईए। लोगों ने जो अहींथी आवानी तकलीफ पड़शे तो पेट्रोलनो खर्च वधी जशे, समय वगरशे, तो वडोदरा महानगरपालिका तेमज रेलवे ने विनंती है कि कंईक योग्य विकल्प पसंद करीने जता आवता नागरिकों माटे रस्तो राखे तेवी अमारी मांग छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।